बड़ी खबर औरैया से है, जहां पुलिस द्वारा उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप करित कर धन व संपत्ति अर्जित करने वाले एक शख्स की विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि पुलिस ने डुगडुगी बजाकर यह कार्रवाई की है, जिसमें पुलिस ने बाकायदा डुगडुगी बजाकर इस कार्रवाई की मुनादी भी की है। पुलिस के मुताबिक 4,53,56,000 से अधिक की चल व अचल संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। बताते चले कि यह कार्रवाई अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कान, पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र कानपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक औरैया चारू निगम के पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत जनपद औरैया पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक औरैया के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई करने के निर्देश के तहत आरोपी मोनू उर्फ अभय अग्निहोत्री पुत्र सुधीर अग्निहोत्री निवासी मोहल्ला चमनगंज कस्बा थाना फफूंद के विरुद्ध कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है। पुलिस के अनुसार गैंगस्टर एक्ट की धारा के तहत कार्रवाई हेतु रिपोर्ट जिलाधिकारी औरैया को प्रेषित भी की गई थी, जिसके क्रम के जिलाधिकारी औरैया द्वारा दिनांक 19/1/2024 को उक्त अभियुक्त की संपत्ति को जब्त करने के आदेश निर्गत किए गए थे, जिसके क्रम में दिनांक 31/1/2024 को थाना प्रभारी अजीत मल द्वारा पुलिस बल के साथ आरोपी की संपत्ति का जब्तीकरण किया गया है।